हेलो गाइस, डीजे स्टडी पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 9 में जो वार्षिक परीक्षा के लिए SVS का 2021-22 का जो पेपर आया हुआ चित्रकला का पेपर है उसका हम संपूर्ण रूप से पेपर सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, तो हमें चित्रकला में आपको ऐसा पूछा गया था कि पहले नंबर का सवाल ऐसा था कि दो पंक्तियों के बीच कितना माप है यह जानने के लिए या दिए गए माप का ही दूसरा कोण मापने के लिए किस साधन का उपयोग किया जाता है। तो आपका आंसर आएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी कि जो विभाजक है उसका उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार से नेक्स्ट सवाल आपको इस प्रकार से दिया गया है कि H सीरीज के पेंसिल का नंबर जैसे जैसे बढ़ता है वह वैसे वैसे कैसा होता जाता है। तो याद रखिएगा कि इसका जो आपका आंसर आएगा वो अधिक कठोर बनती जाती है। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट सवाल इस प्रकार से पूछा गया है कि मंद गति, माधुर्य, कोमलता और तालबद्धता दर्शाने के लिए किस रेखा का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका मतलब कि घुमावदार रेखाओं का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार से नेक्स्ट सवाल आपको इस प्रकार से पूछा गया है कि जो 3D आकार है वो किसे कहते हैं। तो आपको यहाँ पर कुछ दिए गए हैं तो उसके आधार पर आपको बताना है कि 3D आकार कौन सा है। तो यहाँ पर आपका जो 3D आकार है वो आएगा पुस्तक, क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आई होती है, तो उस 3D आकार में आपका आएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट सवाल इस प्रकार से पूछा गया है कि कौन सा रंग प्रेम और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। तो आपका जो लाल रंग है वो प्रेम और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। उसी प्रकार से 6 नंबर का सवाल इस प्रकार से पूछा गया है कि कौन सा रंग केसरी और बैंगनी को सजातीय रंग है। तो केसरी और बैंगनी के जो सजातीय रंग है वो आपका आएगा लाल रंग का आएगा। उसी प्रकार से आपको नेक्स्ट सवाल इस प्रकार से 7 नंबर का पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक सिद्धांत भाषचित्र का सिद्धांत नहीं है। तो भाषचित्र के सिद्धांत में नहीं आता, तो वह आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आवर्तन जो है वो भाषचित्र के सिद्धांत में नहीं आता। और उसी प्रकार से नेक्स्ट सवाल आपसे इस प्रकार से पूछा गया है कि सूर्यमुखी का फूल किस प्रकार का विस्तरण का उदाहरण है। तो याद रखिएगा कि वो आएगा आपका केंद्र में से विस्तरण का उदाहरण आएगा। उसी प्रकार से जो आपको 9 नंबर का सवाल पूछा गया था कि शिल्प का घाट देने की कला है, ये शिल्प की परिभाषा किसने दी है। तो जो शिल्प घाट देने की कला है, ये शिल्प की परिभाषा जो है वो सर सिडनी काल्विन ने दी थी। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा। उसी प्रकार से आपको नेक्स्ट सवाल इस प्रकार से पूछा गया है कि किस स्थापत्य में असंख्य स्वर्ण कलश थे। तो असंख्य स्वर्ण कलश की बात करें तो वहाँ पर आपको जैसे है रुद्र महालय आएगा। उसी प्रकार से कीर्ति तोरण कहाँ स्थित है ऐसा सवाल पूछा गया था, तो जो हमारा कीर्ति तोरण है वो महेशाणा जिले में स्थित है। उसी प्रकार से आपको नेक्स्ट सवाल पूछा गया है कि वाव किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा मित्रों कि जो आपका सीढ़ी वाले कुएं होते हैं ना उसे वाव कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका आंसर आएगा। उसी प्रकार से काकलिया तालाब का घेरा लगभग कितने किलोमीटर का है। तो जो काकलिया तालाब का घेरा है वो लगभग 2 किलोमीटर का है, जो अहमदाबाद में बहुत ही फेमस आया हुआ है। उसी प्रकार से हम 14 नंबर के सवाल की बात करें तो अहमदाबाद के मुस्लिम स्थापत्य की विशिष्ट सिद्धि के रूप में कौन सा है। तो मुस्लिम स्थापत्य की विशिष्ट सिद्धि की बात करते हैं तो वहाँ पर आपका आंसर आएगा सिद्धि सैयद की मस्जिद की जो जाली है वो मुस्लिम स्थापत्य की आप विशिष्ट सिद्धि के रूप में मान सकते हो। उसी प्रकार से नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मस्जिद झूलता मीनारा कहलाती है। तो यहाँ पर आपको झूलता मीनारा का कौन सा मस्जिद है, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि जो BBG मस्जिद है वो झूलता मीनारा के रूप में कही जाती है। और उसी प्रकार से आपको नेक्स्ट सवाल 16 नंबर का पूछा गया है कि किस स्थापत्य में सभा मंडप में घूमट की किनारी पर रामायण और महाभारत के प्रसंग आलेखित किए गए हैं। तो याद रखिएगा कि जो महाभारत और रामायण के प्रसंग आलेखित किए गए थे वो रुद्र महालय में किए गए थे। उसी प्रकार से आपको 17 नंबर का सवाल पूछा गया था कि वडनगर के किस तालाब का कीर्ति तोरण, किस तालाब के पास कीर्ति तोरण स्थित है। तो जो वडनगर है और वडनगर के जो शर्मिष्ठा तालाब है उसके पास ही तुम्हारा जो कीर्ति तोरण है वो स्थित आया हुआ है। उसी प्रकार से 18 नंबर का सवाल पूछा गया है कि स्थापत्य की दृष्टि से अजालत की वाव किस वाव में मिलती है। तो जो अडालज की वाव है वो राण की वाव से मिलती आती है। उसी प्रकार से नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया कि अहमदाबाद में मुस्लिम स्थापत्य का अनुपम नजराना कौन सा है। तो अहमदाबाद में मुस्लिम स्थापत्य का अनुपम नजराना में आपका झूलता मीनारा आ सकता है। उसी प्रकार से आपका 20 नंबर का जो सवाल है कि पंच शताब्दी में निर्मित काकरिया तालाब का जीर्णोद्धार किसने करवाया था। तो अहमदाबाद के मेयर श्री चीनू भाई सेठ जो थे उन्होंने काकरिया तालाब का पिनसे जीर्णोद्धार करवाया था। उसी प्रकार से आपको नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि 21 नंबर में कि फोटोशॉप सॉफ्टवेयर किसे डिजिटल करने में मदद की है। तो यहाँ आएगा फोटोग्राफ को जो डिजिटल करना है उसको उसमें मदद किया है। उसी प्रकार से बात करते हैं तो 22 नंबर का जो तो आपको सवाल पूछा गया है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की एक्सेसरीज में किसके द्वारा चित्र खींचा जा सकता है। तो यहाँ पर एक्सेसरीज है उसमें पेंट के द्वारा हम चित्र खींचा जा सकता है। उसी प्रकार से 23 नंबर में आपसे पूछा गया
गया है कि निम्न में से कौन सा चित्र श्री रविशंकर रावल का है। तो बात करिए तो कृषि कन्या जो है वो रविशंकर रावल का है। उसी प्रकार से 24 नंबर के सवाल में आपसे ऐसा पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा चित्र श्री सोमानाल शाह का था। तो सोमानाल शाह का जो था वो घर नंद घर आनंद भयो वो जो चित्र है वो सोमानाल शाह का है। उसी प्रकार से 25वें नंबर के सवाल में आपसे ऐसा पूछा गया था कि श्री योगेश्वर शुक्ल का प्रसिद्ध चित्र कौन सा था। तो योगेश्वर शुक्ल का प्रसिद्ध चित्र था नव वसंत। उसी प्रकार से हम बात करते हैं तो श्री रसिकलाल पारिक ने मुंबई में जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में किसमें कला शिक्षा प्राप्त की थी। तो आपका आंसर आएगा देवी प्रसाद चौधरी से। उसी प्रकार से आपको नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि 27 नंबर में कि हिंद छोड़ो आंदोलन के समय किस कलाकार ने व्यंग चित्र बनाकर अंग्रेज संतुलन को हिला दिया था। तो जो श्री बंसीलाल वर्मा देव थे उन्होंने एक व्यंग चित्र बनाया था जिसे अंग्रेज सरकार भी हिल चुकी थी। उसी प्रकार से हम नेक्स्ट सवालों की बात करें तो 28 नंबर के सवाल में आपसे ऐसा पूछा गया था कि निराले व्यक्तित्व वाला अच्छा कलाकार आदर्श कलागुरु प्रभाव वक्ता और एक विशेष व्यक्ति थे यह विधान किसके लिए उपयुक्त किया गया है। तो यह जो है वो जशुभाई नायक के लिए उपयुक्त किया गया था। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा सी ऑप्शन नंबर बी जशुभाई नायक। उसी प्रकार से 29 नंबर के सवाल में आपसे ऐसा पूछा गया कि कुछ लोगों ने श्री खोड़ीदास परमार का विशेष नाम क्या रखा था। तो जो खोड़ीदास परमार थे उनका विशेष नाम लोक कला के उपासक के रूप में जाना गया था। उसी प्रकार से 30 नंबर के सवाल में ऐसा पूछा गया है कि द फ्लोर नामक पुस्तक के कलाकार कौन थे। तो द फ्लोर नामक पुस्तक के जो कलाकार थे वो नटूभाई पारिक थे। उसी प्रकार से आपसे नेक्स्ट सवाल पूछा गया है कि किस कलाकार ने चित्र को अत्यधिक पर्यावरणीय अध्ययन पूर्ण है। तो किस कलाकार का चित्र पर्यावरण के पर्यावरण अनुपूर्ण है तो वो नटूभाई पारिक का आएगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट सवाल है कि श्री प्रताप सिंह जाडेजा ने अधिकतर जो किस संदर्भ में चित्र बनाए हैं। तो आएगा कि सौराष्ट्र के जो ग्रामीण लोक जीवन है उसके संदर्भ में उन्होंने अधिकतर चित्र बनाए हुए हैं। उसी प्रकार से 33 नंबर के सवाल में ऐसा पूछा गया कि श्री कोड़ीदास परमार के ने जो 1948 से 1951 तक किस कला में शिक्षा प्राप्त की थी। तो आपका आंसर आएगा सोमालाल शाह से शिक्षा प्राप्त की थी। उसी प्रकार से 34 नंबर का सवाल था कि 1999 में ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड कास्ट सोसाइटी द्वारा श्री जशुभाई नायक का किस प्रकार से सम्मान किया गया। तो शाल और चांदी का सम्मान देकर उन्हें सम्मान किया गया था। उसी प्रकार से 35 नंबर के सवाल में आपसे पूछा गया था कि श्री बंसीलाल वर्मा ने कितनी फिल्मों का आर्ट डायरेक्शन किया था। तो उन्होंने कुल ऐसे 3 फिल्मों का आर्ट डायरेक्शन किया हुआ है। उसी प्रकार से बात करें तो 36 नंबर के सवाल में आपसे पूछा गया था कि किस कलाकार की चित्रशैली में सेमी रियलिटिक एंड वॉश मेथड्स की थी। तो चित्रशैली में सेमी रियलिटिक वॉश मेथड जो है वो रसिलाल पारिक की चित्रकला में आपको देखने को मिलेगी। और नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया कि श्री योगेश्वर शुक्ल का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो जो योगेश्वर शुक्ल थे उनका जो जन्म था वो अहमदाबाद में हुआ था। उसी प्रकार से बात करते हैं 38 नंबर के सवाल में। तो 38 नंबर में आपसे ऐसा पूछा गया था कि देवयानी किस कलाकार का चित्र है। तो जो देवयानी है वो सोमानाल शाह का जो है उनका चित्र है। उसी प्रकार से 39 नंबर पे ऐसा पूछा गया कि ईस्वी सन 1924 में श्री रविशंकर रावल ने कौन सा मासिक आरंभ किया था। तो उन्होंने कुमार मासिक का आरंभ किया था। उसी प्रकार से 40 नंबर के सवाल में ऐसा पूछा गया था कि श्री नटूभाई को अहमदाबाद के सेठ सीएन कला विद्यालय में भेजने की सलाह किसने दी थी। तो उनको यह सलाह दी थी स्कूल के आचार्य श्री हरमन भाई ने जो है उन्होंने ये उनको यह सलाह दी थी। तो फाइनली दिस इज द एंड ऑफ अवर लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।